वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर की लेटेस्ट न्यूज एंड टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज के दिन यदि आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा तो 2 रुपए का आज का इसका प्राइस रहा है आज के दिन, एंड आज के दिन इसमें 5% के अराउंड की गिरावट रही है। यदि कल की बात करें तो कल 2 रुपए 10 पैसे पे था, एंड सुबह 2 रुपए पे ही ओपन होते हुए पूरे दिन यहाँ पर लोअर सर्किट में ही रहता है। एंड प्राइस परफॉर्मेंस भी एक बार हम चेक कर लेते हैं तो इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस है 1 वीक में इसके नेगेटिव रिटर्न हो चुके हैं, नेगेटिव रिटर्न 14% के अराउंड हो चुके हैं। बट यदि 1 मंथ पहले यदि आपने इन्वेस्ट किया होगा तो जरूर आप यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट 10% की प्रॉफिट में यहाँ पे होंगे। एंड 3 मंथ की यदि बात करें तो 30% के अगेन यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं, एंड 1 ईयर में भी ये 66% एंड 3 ईयर में भी लॉन्ग टर्म में भी 60% के प्रॉफिट के साथ आप यहाँ पे जरूर होंगे। एंड यदि इसकी कैंडल स्टिक चार्ट की बात कर लेते तो इसका यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आता है इस रेट पे 1.90 रुपए पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट निकल के जरूर आता है। एंड देन यदि इस पैसे की यदि 1.90 रुपए के नीचे जाता है तो अगेन यहाँ पे हमें थोड़ी प्रिकॉशंस अपनाने की ज़रूरत है, बकाया यहाँ पे ट्रेडिंग होती रही है। एंड यदि आपको भी इस शेयर में निकलने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिला हुआ है क्योंकि ये शेयर यहाँ पे लोअर सर्किट अपर सर्किट में नहीं रहा, 2-3 दिन से यहाँ पे ट्रेडिंग में हो रही है, बट आज के दिन तो यहाँ पे डायरेक्ट लोअर सर्किट के दिन आज को आपको यहाँ पे देखने को मिला है। यदि इसकी वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो 6 करोड़ का वॉल्यूम आज के दिन रहा है, एंड डिलीवरी तो यहाँ पे पूरी उठाने को देखने को मिल रही है। बट यदि कल की बात करें तो कल के दिन एक बहुत छोटी सी यहाँ पे वॉल्यूम था, एंड डिलीवरी भी बहुत छोटी सी उठी थी, 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था। एंड उसके पहले 1 वीक के एवरेज की बात करें तो 1 वीक में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता था, एंड 1 मंथ में भी यहाँ पे आपको 23% एंड 24% के अराउंड इस शेयर के वॉल्यूम देखने को मिले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इस शेयर में रहता था। अब इस समय वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ओके, एंड अभी यदि हम इस शेयर की आगे अगेन बात कर लेते हैं तो BSE की साइट पर भी 1.99 रुपीज़ के साथ अराउंड 5% की गिरावट के साथ ये शेयर यहाँ पे बंद होता है DSM लिस्ट 4 में, ये तो आपको यहाँ पे पता होगा ही। एंड अगेन यदि बात कर लेते हो कल के दिन इसका यहाँ पे जो लेटेस्ट प्राइस था 2.09 रुपीज़ था, देन आज यहाँ पे 10 पैसे माइनस होते हुए 1.99 रुपए के साथ रहता है। यदि इसमें भी प्राइस एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी की बात कर लेते तो आज के दिन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आज की डेट है 25 जनवरी की डेट है। एंड यदि क्वांटिटी ट्रेडिंग की आज के दिन की बात करें तो 2,15,98,501 क्वांटिटी ट्रेडिंग रही है वॉल्यूम की। एंड यदि डिलीवरी की बात करें तो पूरी डिलीवरी यहाँ पे लगातार उठाने को देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको पता है कि ASM लिस्ट 4 में ये शेयर है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे पूरी वॉल्यूम एंड डिलीवरी देखने को मिली। यदि इन्वेस्टरों के बीच की बात करें तो इन्वेस्टरों के बीच अभी भी इसमें सभी लोग यहाँ पे बुलिश हुए पड़े हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके टारगेट 10 है, जो ये अपनी फेस वैल्यू के बराबर का टारगेट बता रहे हैं। इन्होंने 1 लाख के शेयर यहाँ पे बाई किए हुए हैं, एक मनी कंट्रोल की साइट से लिया गया है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपनी क्वायरी पुटअप करते हैं। आप भी अपनी क्वायरी वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, एंड नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वायरी पुटअप कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं आपके आंसर यहाँ पे जरूर दिए जाएंगे, एंड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आपको इस चैनल पे बताई जाएगी। आप उसके पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट इस शेयर की होती है वो आपको यहाँ पे दी जाती है टाइम टू टाइम। तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, एंड यहाँ पे एक जो सेकंड इन्वेस्टर है उनके हिसाब से यहाँ पे सेल डिपेंडिंग फनी कमेंट्स वो तो यहाँ पे अपने कमेंट्स ही बता रहे हैं। एंड थर्ड जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बोल रहे हैं डोंट पैनिक, ऊपर जाएगा आफ्टर फरवरी, वेट एंड वॉच। एंड यहाँ पे इन्हें वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे दी है स्थिति। एंड यदि मैं आपको बता दूँ तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर यहाँ पे फेस वैल्यू को टारगेट बनाए हुए हैं, जो इसकी फेस वैल्यू है वो यहाँ पे 10 रहने वाली है, बट अभी कुछ समय से ये नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, एंड लोअर सर्किट लगातार इस शेयर में देखने को मिल रहा है। कुछ समय से लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अपर सर्किट्स में भी गया था, एंड 1.50 रुपए से हमें इसको लिए हुए है, तो ये 2.30-40 रुपए 2.40 रुपए तक गया, देन फिर उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लगने स्टार्ट होते हैं, एंड देन अभी आपको 2 रुपए पे ये ट्रेड करता हुआ सो रहा है। एंड आपको मौके भी मिले हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी, आपको 1.80 रुपए 1.70 रुपए काफ़ी बार काफ़ी नीचे भी मिली है, एंड आपको सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी 2.30 रुपए 2.40 रुपए काफ़ी जगह आपको सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो कोई भी इसमें फंसा तो नहीं है, जो भी अपने रखा है जो भी अपनी वॉल्यूम में रखा है जो अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से खेल रहा है वो अभी भी खुश है, क्योंकि इसने नीचे वाले प्राइस पर उठाया हुआ है, एंड जो प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं तो उनकी
की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की लगातार मैं आपको यहाँ पे कंडीशन दिए रहता था। एंड जो अपना यहाँ पे प्राइस था, टारगेट था, वो 2.35 रुपये था, उसको यहाँ पे टच करते हुए ही नीचे आया है। एंड अपना जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 3.65 रुपये का है, वो मैं आपको यहाँ पे लगातार बताता रहता हूँ। एंड सपोर्ट्स मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 1.90 रुपये का इसमें अच्छा खासा सपोर्ट्स है, एंड उसके नीचे का भी एक सपोर्ट्स बन के नज़र आता है, उसकी मैं आपको लगातार चर्चा करता रहता हूँ। अन्य वीडियो आप देख सकते हैं, सपोर्ट्स एंड टारगेट्स की एक वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आप ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर एंड IFCI शेयर की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सारी आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी न्यूज़ होती है, तो आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।